जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैराग्राफ ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे आप एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इसके अंदर जो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर ब्लर्स लगाना, कि आप अपने पैराग्राफ के ऊपर किस टाइप से अलग अलग स्टाइल बेसिस पर आप ब्लर्स लगा सकते हो, साथ ही साथ आप नंबरिंग का कैसे यूज कर सकते हो और अलग अलग स्टाइल पर आप कैसे नंबरिंग यूज कर सकते हो। देन इसके अंदर जो सबसे मेन होगा वो आपका मल्टी लेवल लिस्ट, कि आप कैसे आप अपने पैराग्राफ के ऊपर मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हो। देन मैं इसके अंदर जो आपको बताऊंगा अलाइनमेंट, कि आप कैसे अलाइनमेंट का यूज होता है, हमारे कितने टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं और किस टाइप से हम अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट पैराग्राफ ऑप्शन बताऊंगा। मेल के शुरुआत से वेलकम टू माई चैनल। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बुलेट्स। अब देखिए बुलेट्स का यूजेस होता क्या है। आपने देखा होगा, आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो उस पैराग्राफ के आगे क्या है, कुछ डॉटेड से बने आते हैं, मतलब बुलेट्स लगे आते हैं। वो कोई भी स्टार के हो सकते हैं, डॉटेड के हो सकते हैं, किसी सिंबल के होते हैं, तो आप इस टाइप से यहाँ पर बुलेट्स यूज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद में आप पैराग्राफ के अंदर आएंगे, यहाँ पर जो पैराग्राफ ऑप्शन है और इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे क्या बुलेट्स। आप यहाँ पर बुलेट्स पे आएंगे, जैसे आप यहाँ पर बुलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ बुलेट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मुझे ये बुलेट्स चाहिए, ये बुलेट्स चाहिए, ये चाहिए, तो इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पर बुलेट्स बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई देंगे, ओके। अब ये यहाँ पर ये मेरे बुलेट्स शो हो रहे हैं, अब मुझे इनसे भी अदर कुछ बुलेट्स चाहिए, मुझे इनसे भी कुछ अलग बुलेट्स चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्या, डिफाइन न्यू बुलेट्स। यहाँ पे मैं डिफाइन न्यू बुलेट्स पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मुझे सिंबल का और एक ऑप्शन मिलेगा मुझे पिक्चर का। तो सबसे पहले मैं किस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिंबल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सिंबल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे कुछ सिंबल्स शो हो रहे हैं। आप इनमें से कोई भी सिंबल ले सकते हो, जो भी आपको सिंबल ब्लड्स में शो कराना है। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे ये सिंबल चाहिए, मैं इस सिंबल पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे तो ये सिंबल के मेरे यहाँ पर क्या है, ब्लड्स लग चुके हैं, क्लियर। मैं फिर से जाता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने इसको, मैं फिर से वापस ब्लड्स में जाता हूँ और यहाँ पर डिफाइन न्यू ब्लड्स। अब यहाँ पर सिंबल पे फिर से क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉन्ट के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर ऊपर ड्रैग करेंगे तो देखिए इस टाइप से ब्लड शो कराएगा आपको, ये इस टाइप से। आपको इससे भी अदर कुछ ब्लड चाहिए, कुछ स्टाइलिश ब्लड चाहिए तो आप यहाँ पर सिंबल पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप से आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन मुझे इससे भी कुछ अलग डिफरेंट दिख चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना वेबडिंग्स ब्लड्स लूंगा। अब यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, मेरे वेबडिंग। अब यहाँ पे वेबडिंग के अंदर आएंगे तो देखिए इसके अंदर काफी सारे सिंबल्स मुझे दिखाई देंगे इस टाइप से, ये आप देखेंगे ये, ठीक है। तो मैं इनमें से भी क्या है कोई सिंबल्स ब्लड्स के अंदर अपने ऐड कर सकता हूँ, जैसे मुझे ये वाला सिंबल ऐड करना है, ये सिंबल ऐड करना है, या इस टाइप से मुझे ब्लड्स ऐड करने हैं, या मुझे ये वाले ब्लड्स ऐड करने, तो इसके अंदर काफी सारे ब्लड्स हैं। जो भी आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, धन ओके करेंगे तो आप देखिए मेरे ये ब्लड सप्लाई हो चुके हैं, क्लियर। तो आपको किस पर आना है, यहाँ पर डिफाइन न्यू ब्लड्स पर आना है, डिफाइन न्यू ब्लड्स पर आके सिंबल पर जाना है तो यहाँ से आपको कुछ डिफरेंट ब्लड्स शो हो जाएंगे। इस ब्लड्स के भी आपको कलर शो कराने हैं तो आप किस पर आएंगे, यहाँ पर फॉन्ट पर, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फॉन्ट का, यहाँ पर आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फॉन्ट कलर। तो जिस कलर के अंदर आपको ब्लड चाहिए आप वो कलर लीजिए, ओके कर देंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे तो आपके ब्लड्स का वही कलर शो कराएगा जो आपने वहां पर लिया था। मैं वापस जाता हूँ, मुझे ना सिंबल की जगह कुछ पिक्चर के ब्लड चाहिए तो यहाँ पे किस पे क्लिक करूंगा, पिक्चर पे क्लिक करूंगा। अब पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे फ्रॉम फाइल्स, अब आपके पास में कुछ पिक्चर होनी चाहिए। हमें पिक्चर की बात करूं तो मैं यहाँ पर डाउनलोड से कुछ पिक्चर यहाँ पर शो करा देता हूँ जो मुझे बुलेट्स पर दिखानी है, ठीक है। जैसे मेरे ये एक एग्जांपल ये वाले मुझे शो करानी है, इस पिक्चर को लेता हूँ, इंसर्ट कराता हूँ और ओके कर देता हूँ
आप देखेंगे तो ये क्या है, ये पिक्चर मेरी ब्लड्स के अंदर आ चुकी है। तो आप इस टाइप से कोई सिंबल ब्लड्स लेने हैं आपको तो आप यहाँ से सिंबल ब्लड्स ले सकते हो, आपको पिक्चर ब्लड्स लेनी है तो आप पिक्चर ब्लड्स ले सकते हो। यहाँ पे आपका अलाइनमेंट है कि आपको ब्लड्स का अलाइनमेंट क्या चाहिए, सेंटर राइट या लेफ्ट, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा हमारा लेफ्ट अलाइन ही रहता है। तो ये होता हमारा ब्लड्स का यूज। नेक्स्ट होता हमारा क्या, नंबरिंग। आप चाहते हो ब्लड्स की जगह नंबरिंग चाहते हो कि आपके पैराप के आगे क्या है, नंबरिंग आई 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप इस टाइप से चाहते हो तो क्या करेंगे आप, फिर यहाँ से नंबरिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं नंबरिंग लेता हूँ, मुझे पैराप के आगे किस टाइप से नंबरिंग चाहिए, 1 2 3, 1 2 3 मुझे ब्रैकेट में चाहिए, मुझे रोमन में चाहिए, मुझे एबीसी में चाहिए, एबीसी स्मॉल में ब्रैकेट, एबीसी विदाउट ब्रैकेट, रोमन स्मॉल, तो मैं यहाँ से क्या है नंबर की फॉर्मेट अप्लाई कर सकता हूँ। वापस जाता हूँ मैं यहाँ पर, सेम इसके अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नी नंबर फॉर्मेट्स। मैं यहाँ पर डिफाइन नी नंबर फॉर्मेट्स पे जाऊंगा तो यहाँ पर आपको नंबर फॉर्मेट स्टाइल्स मिलेंगी, मतलब नंबर स्टाइल्स। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके इस टाइप से स्टाइल, आप कैसे चाहते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड या 1 2 3 या आप इस टाइप से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जैसे आपको नंबर फॉर्मेट चाहिए वही नंबर फॉर्मेट आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो आप इस टाइप से प्लस आते साथ आप ओके कर दीजिए। आप इसके अंदर भी फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, जो भी कलर या जैसे भी आपको रखना है, यहाँ से साइजेस क्या रखना है, बोल्ड रखना है, आप इनको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ये आपके अपने अकॉर्डिंग है कि आप किस टाइप से नंबर को शो कराना चाहते हो। ओके, मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो देखिए मेरी इस टाइप से यहाँ पर नंबरिंग शो करेगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन और मिलेगा अलग से, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट नंबर वैल्यू। देखिए सेट नंबरिंग वैल्यू की बात करूं तो सेट नंबरिंग वैल्यू क्या काम करता है कि एक एग्जांपल मान चले कि आज मैंने एक पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ को प्रिंट कर दिया, लेकिन मुझे कल उससे आगे ही पैराग्राफ शो कराना है और जो मुझे नंबरिंग शो करानी है उसी से आगे कंटिन्यू शो करानी है। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, मैं वापस यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ तो कोई सी भी नंबर फॉर्मेट लगाऊंगा वो क्या यहाँ पर फर्स्ट से ही दिखाएगा। ठीक है, किससे दिखा रहा है, फर्स्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर 5 तक तो आज प्रिंट कर लिए, या 5 तक मैंने कल प्रिंट कर लिए थे, आज जो मुझे पैराग्राफ चाहिए वो कहां से चाहिए, 6 से। ठीक है, जो मेरा पैराग्राफ जो स्टार्ट हो वो कहां से स्टार्ट हो, 6 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलेगा, सेट नंबर वैल्यू। और यहाँ पर सेट नंबर वैल्यू के अंदर आपको वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे कहां से स्टार्ट करनी, 6। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, और 6 करने के बाद क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो देखिए अब मेरे जो पैराग्राफ की नंबरिंग है वो कहां से स्टार्ट होगी, 6 से स्टार्ट होगी। तो आप इस टाइप से सेट नंबर वैल्यू का यूज कर सकते हो। तो ये होती है हमारी क्या है, नंबरिंग। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। अब देखिए मल्टी लेवल लिस्ट का यूज होता क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट क्या काम करता है, आप नॉर्मल जैसे आप कोई बुक्स बनाते हो तो आपने देखा होगा बुक्स के अंदर आपके लेवल्स होते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर के लेवल होते हैं, आपका चैप्टर 1, फिर 1 का 1 है या 1 का 2 है या 1 का 3 है, आप इस टाइप से कुछ लेवल्स आपने देखे होंगे आपने अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, तो ये लेवल्स बनाने के लिए आप इसका यूजेस कर सकते हो, या फिर आप कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग भी इन मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, अब मैं एंटर करूंगा तो देखिए ये दिखा रहा है 2, लेकिन मुझे अब यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर ये मैंने एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, एबीसी चाहिए, या मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड चाहिए, या मुझे यहाँ पर 1 2 3 चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना होगा, क्या प्रेस करूंगा, टैब। जैसे यहाँ पे देखिए टैब बटन प्रेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ए। अब मैं यहाँ पे सीपीयू की क्या शो करा दूंगा, फुल फॉर्म शो करा दूंगा। जैसे एक एग्जांपल मैं एक फुल फॉर्म दे देता हूँ, मैंने दे दिया कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फिर बी के अंदर दे देता हूं मैं यहाँ पर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, फिर सी में दे देता हूं मैं यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मैंने यहाँ पर डी में दे दिया
सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो मैंने इस टाइप से एक क्वेश्चन लिखा, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, और यहाँ पे सीपीयू की कुछ फुल फॉर्म शो करा दी। अब आपको जो राइट लगता है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये क्या दिखाएगा, मुझे ई शो कराएगा। मैंने एंटर प्रेस किया तो ई, लेकिन अब मुझे ई नहीं चाहिए, मुझे इसके फोर ही ऑप्शन शो कराने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन शो कराना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक और एंटर की प्रेस कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं एक और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या क्या एक और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर टू। और यहाँ पर मैं दे देता हूं फुल फॉर्म ऑफ मेमोरी। ओके, अब एंटर करूंगा तो यहाँ पर थर्ड, लेकिन मुझे एमसीक्यू दिखाने तो टैप बटन तो ए। अब देखिए मैं यहाँ पर नॉर्मल लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे एंटर तो बी स्टार्ट हो जाएगा, एंटर करूंगा तो सी, एंटर करूंगा तो डी। अब मुझे डी तक ही शो कराना है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डबल एंटर प्रेस कर सकता हूँ एक साथ। तो जैसे डबल एंटर प्रेस करूंगा तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब यहाँ पे मैं एनी क्वेश्चन देता हूँ थर्ड, फिर एंटर करूंगा तो क्वेश्चन फोर दिखाएगा, लेकिन टैप टैप बटन के साथ में मेरा ए बी सी डी, फिर डबल एंटर तो क्वेश्चन नंबर फोर। अब इस टैप से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाना चाहते हो तब आप क्या है मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हो। अब एक एग्जांपल मैं इनको सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की, अब मैं आता हूँ किसके अंदर, मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर। अब मल्टी लेवल लिस्ट के आप फॉर्मेट चाहते कैसे हो, आप चाहते हो कि ये शो कराए कि क्वेश्चन वन और आंसर में ए बी सी, या आप ऐसे शो कराना चाहते हो कि आपको क्वेश्चन तो दिखाए वन और आंसर में क्या दिखाए, वन का वन है या वन का टू है, वन का थ्री है। आप इस टाइप से दिखाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन वन फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। अब आंसर में क्या रहा है, वन का वन कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, वन का टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वन का थ्री सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और वन का फोर सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। ऐसे क्वेश्चन टू है तो टू का वन, टू का टू, टू का थ्री, टू का फोर, क्वेश्चन थ्री है। तो ये क्या है, आप इस टाइप से मल्टी लेवल लिस्ट को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब जब आप मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हो, मल्टी ऑप्शंस की लिस्ट बनाते हो, तब आप इस मल्टी लेवल लिस्ट का यूजेस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ये इंडेक्स, जो कि क्या है, ये इंक्रीज इंडेक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका ये इंक्रीज इंडेक्स हो जाएगा, जो कि राइट में लेके जाएगा, और डिस्क्रीज करेंगे तो ये वापस लेफ्ट में लेके आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसके अंदर क्या, शॉर्ट। शॉर्ट की बात करें तो जो शॉर्ट क्या काम करता है, शॉर्ट इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ए टू जेड और डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए। ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लगाने के लिए होता है। आपने देखा होगा आपका जितना भी रिकॉर्ड होता है वो टोटल सारा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। चाहे आप किसी स्कूल में चले जाइए, कंपनी में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, आप कहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिलता है। जैसे पहले ए नाम का होगा, अमित, आकाश, अरुण, अजीत, फिर बी नाम का, बंटी, बबली, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का। ठीक है, तो वैसे मैं सेम आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि आपको एक डेटा फिल करना है, वो असेंडिंग ऑर्डर में फिल करना है। तो आप फॉर्म लेके, आप फॉर्म को पहले फिल्टर करके रखेंगे, पहले ए नाम के फिर बी नाम के, तो आपको काफी टाइम लगेगा। लेकिन आप क्या करिए, जिस नाम की आपको यहाँ पर एंट्री आ रही है वही सेम नाम आप यहाँ पर क्या करते जाइए, टाइप करते जाइए। जैसे एक एग्जांपल, मैं फिलहाल नॉर्मल कोई भी नाम नहीं टाइप करा, मैं मान चलिए मेरे पास कैट आया पहले, फिर दूसरा आ गया मेरे पास में डॉली, फिर तीसरा आ गया मेरे पास में आइस, फिर चौथा आ गया फैन, फिर पांचवा मेरा गीता, फिर मेरे पास आ गया अमित, ठीक है, फिर आ गया अरुण, फिर आ गया मेरे पास, मैं यहाँ पर नॉर्मल कोई भी नाम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास फिर बबीता, फिर मेरे पास में आ गया यहाँ पे दानिश, फिर यहाँ पे आ गया दिनेश, फिर आ गया मेरे पास अजीत, ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर हैंड दे देता हूँ हैंड, और उसके बाद में यहाँ पे दे दिया आकाश। एक एग्जांपल है, ये मैंने सिंपल छोटे से नाम यहाँ पर शो कराए। अब मैं इनको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद में किस पर आऊंगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट पर, मैं यहाँ पर शॉर्ट पर आऊंगा। और शॉर्ट पर आने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पैराग्राफ लिखा हुआ है, और जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे क्या है असेंडिंग, मैं यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे तो क्या है, ये पहले ए नाम के रिकॉर्ड को दिखाएगा, अजीत, आकाश, अमित, अरुण, बबीता, फिर बी का स्टार हो गया, फिर सी का हो गया, फिर डी का, ठीक है, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। तो क्या किया इसने, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। वापस जाता हूं मैं इसको और डिसेंडिंग कर दूंगा तो क्या करेगा ये, उल्टा, मतलब हमारे पास फिलहाल लास्ट एच है तो एच से बैक करेगा ये,
क्लियर। तो ये मेरा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, मैं इसको नंबर वैल्यू पे भी अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर वैल्यू दी, ये मुझे नंबर वैल्यू मैंने यहाँ पर टाइप कर दी, क्लियर। अब यहाँ पर नंबर वैल्यू की बात करूँ तो मैं यहाँ पर नंबर को भी सेट करना चाहता हूँ इसी के ऑर्डर पर, तो यहाँ पर मैंने नंबर को सिलेक्ट किया सेम। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या क्या नंबर असेंडिंग पे कर दूंगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया, आपकी नंबर भी आपके असेंडिंग ऑर्डर में ऐड हो जाएंगे। आप कोई डेट के अकॉर्डिंग कोई काम कर रहे हो कि आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो कैसे दिखाए डेट के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे क्या है डेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो डेटा होगा कैसे लग जाएगा, डेट वाइज लग जाएगा, क्लियर। तो ये आपका शॉर्टकट यूजेस। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आपका क्या सो एंड हाइट। देखिए सो एंड हाइट की बात करूं तो आपने नॉर्मल देखा होगा जितनी जगह ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शनों में लिखा होता है हाइट एंड शो, लेकिन इसके अंदर उल्टा लिखा हुआ है शो एंड हाइट, ठीक है। आप अदर कहीं देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा होता है हाइट एंड शो, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखा हुआ शो एंड हाइट। तो शो एंड हाइट का मतलब क्या हुआ, पहले ये शो कराएगा बाद में हाइट करेगा, लेकिन जब मैं इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपको क्या है एक आपको साइन टाइप से दे देगा, ठीक है। तो ये शो करा दिया, मैं वापस इस पर क्लिक करूंगा तो इसको इसने हाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इसको साइन को शो कराना और हाइड करना इस काम में आता है, लेकिन नहीं इसका यूज ये नहीं होता है। इसका यूज होता है आपने कोई भी पैराग्राफ को हाइड किया हुआ है उस पैराग्राफ को शो कराने के लिए। एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं सिंपल सी इन क्वेश्चनों के ले लेता हूँ फिलहाल, कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं किसी को भी पैराग्राफ सेंड करूं तो ये पैराग्राफ तो सेंड हो जाए, इन क्वेश्चनों को मैं हाइड करके सेंड करना चाहता हूँ और मैं उसको बोलूं कि भाई आप शो करा लीजिए तब शो कराए अदरवाइज इसको पता ना चले। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे फॉन्ट पर, आप ये फॉन्ट वाला ऑप्शन देखेंगे तो आपको यहाँ पर आना है। अभी तक आपने फॉन्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले मैंने फॉन्ट की वीडियो बनाई है, आप पहले फॉन्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो फॉन्ट के अंदर मैं इस पॉइंटर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इस डायलॉग बॉक्स की बात करूं तो इसके अंदर मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता चुका हूँ, फॉन्ट की स्टाइल, कलर, अंडरलाइन, स्टैक टू, डबल स्टैक टू, ये सारे ऑप्शंस मैं बता चुका हूँ। लेकिन इसके अंदर एक नया ऑप्शन है क्या, हिडन, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं हिडन को आपको आगे चल के बताऊंगा, तो ये हिडन का मैं यूज आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हिडन पे क्लिक करूंगा। अब हिडन पे क्लिक करने के बाद क्या कर देता हूँ, ओके। अब देखिए जैसे मैंने ओके किया तो जितने मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए थे वो क्या हो गए आपके हाइड हो चुके, क्लियर। वो क्वेश्चन क्या हो गए हाइड। अब आपने देखा होगा कि हम जहां से जिस ऑप्शन को हाइड करते हैं वो वहीं से शो होता है। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, अब यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे तो हिडन पे क्लिक है ही नहीं। अब हिडन पे क्लिक नहीं तो मैं शो कहां से कराऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर शो कराना है तो हाइड पे क्लिक होना चाहिए था और मुझे यहाँ से क्लिक अनचेक करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो क्लिक है ही नहीं। तो अब इस पैराग्राफ को कैसे शो कराना है, तो उस पैराग्राफ को शो कराना है तो आप इसके अंदर आएंगे, पैराग्राफ के अंदर ही आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको क्या शो। जैसे आप यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो आपका ये पैराग्राफ यहाँ पर क्या हो चुका है, शो हो चुका है, ओके। मैं इसको फिर से हाइड कर दूंगा तो देखिए हाइड, और शो कराऊंगा तो शो। तो इसलिए इसका नाम है शो एंड हाइड, मतलब पहले ये शो कराएगा उसके बाद में क्या करेगा हाइड करेगा, ओके। हमें चाहता हूँ कि मेरे ये क्वेश्चन परमानेंट शो रहे तो आप पहले क्या कर लीजिए, उसको शो करा लीजिए। अब शो कराने के बाद वापस इनको सिलेक्ट करेंगे आप, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप फॉन्ट पर आइए और आप यहाँ पे देखेंगे तो आप हिडन पर क्लिक है और यहाँ से आप अनचेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर हाइड एंड शो पर करेंगे तो आपको कुछ नहीं, ये डॉटेड से शो कराएगा। तो ये होता आपका हाइड एंड शो का यूज, मतलब शो एंड हाइड का यूज। अब बात करते हैं हम, देखिए इसके अंदर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट की बात करें तो हमारे ना फोर टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। आपने देखा होगा तो हम नॉर्मली थ्री टाइप्स के अलाइनमेंट आपने सुने होंगे, लेफ्ट, सेंटर और राइट। लेकिन हमारा एक अलाइनमेंट और होता है, वो उस अलाइनमेंट को बोलते हैं जस्टिफाई, ठीक है। आप कभी भी कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो आपने देखा होगा जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से लिखता है, इधर से लिखता है लेफ्ट, ठीक है ये। लेकिन अब मैं जब भी टाइप करूंगा तो क्या करेगा, लेफ्ट से ही टाइप करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सेंटर में लिखना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं यहां पर सेंटर पर क्लिक करूंगा, या तो मैं सेंटर, या इसकी शॉर्टकट कंट्रोल ई होती है, मैं कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मेरा सेंटर में आ जाएगा। मैंने यहां पर लिख दिया व्हाट इज द यूज ऑफ सेंटर, ठीक। तो ये मेरा सेंटर, अब मैं जब भी पैराग्राफ लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो सेंटर में लिखेगा। सेम मैं चाहता हूं कि मुझे क्या करना है, राइट में लिखना है
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर राइट अलाइन पे क्लिक करूंगा, तो अब मेरा जो टैक्स होगा वो बाई डिफॉल्ट किस में लिखेगा, राइट में लिखेगा। तो आप इस टाइप से क्या है अलाइन के यूज कर सकते हो कि आप टेक्स्ट को कैसे लिखना चाहते हो, आपको लेफ्ट में लिखना है, सेंटर में लिखना है या राइट में। लेकिन एक होता है आपका जस्टिफाई। अब देखिए जस्टिफाई का यूज होता क्या है, जस्टिफाई का यूज होता है जैसे मैं दो पैराग्राफ को ना एक साथ थोड़ा सा मर्ज कर देता हूँ जो आपको आराम से क्लियर पता चल जाए। मैं इस पैराग्राफ की बात करता हूँ, तो आप इस पैराग्राफ को देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट से चेक करेंगे तो लेफ्ट से ना आपका बिल्कुल पैराग्राफ बिल्कुल इक्वल आ रहा है, आप लाइन चेक करेंगे तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन आप राइट में देखेंगे तो राइट में आपकी लाइन क्या हो रही है, छोटी बड़ी हो रही है, आगे पीछे हो रही है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मेरे लेफ्ट का जो अलाइन है वैसे से मेरे राइट का भी पैराग्राफ ऐड हो जाए, तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पर जस्टिफाई अलाइन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे जस्टिफाई पे कर देंगे तो देखेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है यहाँ पे लेफ्ट में देखिए और राइट में देखिए, जो पैराग्राफ की एंड की लाइन होगी वो छोटी मिलेगी, अदरवाइज दोनों साइड से क्या हो जाएगा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो ये होता हमारा क्या जस्टिफाई लाइन। ओके, मैं अलाइनमेंट की शॉर्टकट की बात करूं तो कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए होती है, कंट्रोल ई सेंटर के लिए होती है, कंट्रोल आर राइट के लिए होती है और कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए होती है। ओके, अब होते हैं हमारा नेक्स्ट लाइनिंग स्पेस। अब यहाँ पर अपने पैराग्राफ के अंदर लाइनिंग के अंदर कितना स्पेस चाहिए, अब जो भी स्पेस चाहिए वो लाइनिंग स्पेस यहाँ पर ले सकते हो, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पर लाइनिंग ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक आपको लेफ्ट से स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर लेफ्ट स्पेस दे सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ से बिफोर में स्पेस देना है, पैराग्राफ के आफ्टर स्पेस देना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पेसिंग यूज कर सकते हो। तो ये हमारा पैराग्राफ पर स्पेस होता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा क्या शेडिंग कलर। देखिए शेडिंग कलर की बात करूं तो आपने देखा होगा बुक्स के अंदर या किसी नोट्स के अंदर कुछ नोट होते हैं, कुछ एग्जांपल होते हैं, तो क्या करते हैं उसके बैकग्राउंड में इस टाइप से एक शेड कलर कर देते हैं, लाइट कलर है ना, इस टाइप से उसके ऊपर लिख देते हैं भाई ये नोट है या एग्जाम्पल है, तो आप इस टाइप से शेडिंग कलर शो करा देते हैं उसके ऊपर। और किसी किसी बुक में या नोट्स में देखा होगा उस पर क्या है एक बॉर्डर भी लगा होता है, तो आप यहाँ पर बॉर्डर पर आएंगे, यहाँ पर आपको बॉर्डर मिल जाएगा और यहाँ पर मैं आउटसाइड बॉर्डर यूज कर देता हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्या है कोई भी नोट्स होते हैं या कुछ एग्जाम्पल है या कोई मेन टॉपिक है तो उसको क्या है एक शेड कलर देके उसके ऊपर बॉर्डर लगा देते हैं, या किसी किसी में शेड नहीं कलर नहीं होता सिंपल बॉर्डर होता है तो मैं ऐसे नो कलर कर देता हूँ और ओनली बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, अब बॉर्डर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर और भी बॉर्डर आपको मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ से बॉर्डर फिलहाल मैन करता हूँ। अब बॉर्डर आपको कहाँ पे लगाना है, सिर्फ बॉटम तो देखेंगे बॉटम पर, टॉप करेंगे तो टैप, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में बॉर्डर आ जाएगा, राइट करेंगे तो राइट, ऑल बॉर्डर करेंगे तो जितने भी आपके पैराग्राफ है सब पे बॉर्डर आ जाएगा, आउटसाइड करेंगे तो सिर्फ आउटसाइड, इनसाइड करेंगे तो ओनली इनसाइड, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल्स, तो आप इस टाइप से यहाँ पर क्या है बॉर्डर का यूजेस कर सकते हो। ओके, तो इस टाइप से आप पैराग्राफ ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट पैराग्राफ ऑप्शन बताया कि आप एमएस वर्ड के अंदर किस टाइप से पैराग्राफ ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हमारे फोर टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जस्टिफाई का हमारा अलाइनमेंट का क्या यूज होता है वो आपने देखा कि हमारा जस्टिफाई का होता है कि दोनों तरफ से पैराग्राफ क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको इसके अंदर शो एंड हाइट का यूज बताया कि आप किस टाइप से शो एंड हाइट का यूज कर सकते हो, आप शॉर्ट का किस टाइप से यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।